गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तो हम सुबह का 9 बज रहा है और हम आ चुके हैं जो गेट पे, बंसल के गेट पे लोडिंग के लिए। एंट्री वगैरह सब हो चुका है, अब उनका इंतजार है कि कब तक हमको फ़ोन करते, फ़ोन नंबर भी लिखते हैं वहाँ पर। पहले तो जमाना नहीं रहा कि गार्ड आता था बुलाने के लिए, अब तो मोबाइल नंबर चल गया है, वो फ़ोन कर देगा वहीं से कि गाड़ी लेके आ जाओ गेट पे। तो पिछला ब्लॉग में आप देखे थे कि आ चुके हैं, लेकिन अभी अंदर गए नहीं अभी हम। तो दोस्तों यहाँ बैठे बैठे क्या ना कि अभी नाश्ता वगैरह चल रहा है कुछ बनाने के लिए, यहाँ कुछ फाँका है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ नाश्ता वास्ता के लिए दुकान वकान, तो जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो जा रहे हैं नाश्ता बनाने। ये मैगी हमारा है आज का आइटम, ये मैगी लिया हुआ है और कुछ सामान है, चिप्स वगैरह है, ये सब भी है। तो देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो शाम में या कल भी काम आएगा ये सब। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए और इंतजार करते हैं उनका, कब हम बुलाते हैं लोडिंग के लिए। दोस्तों मैगी बन गया हमारा, अब चले इसको निकालने के लिए। दोस्तों कभी कभी ये सब भी नाश्ता करना चाहिए, और गाड़ी में बनता है तो कुछ गाजर मटर सब मिक्स बनता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। यही सब गाड़ी में सामान रखना चाहिए, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। देखिए अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, तब तक अपना नाश्ता बन गया, अब चले नाश्ता करने। थोड़ा गर्म है, देखिए टेस्ट तो बहुत बना है आप लोग तो हमको लग रहा है ये चीज़, क्योंकि हम खा रहे इसलिए बता रहे हैं कि इतना चीज़ वैरायटी डाला हुआ है, गाजर मटर शिमला मिर्च भी है ना। हाँ, शिमला मिर्च देख रहे, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नाश्ता तो कर चुके थे और हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो अभी दोपहर के 12 बज गया है। तो अभी गार्ड आया था और आप हमको आके बोला गाड़ी अंदर लेके चलिए, तो लेके जाते हैं गाड़ी, देखते हैं अब कांटा वाटा कराएगा क्या कराएगा, मंदिर जाने के बाद मालूम चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं वहीं। कहाँ रुकना है? यहाँ दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बज चुका और मेरा खाना ही लग गया, यही खाना बना था। और अभी 2 बजे के बाद बोला था कि मेरा माल कटना शुरू होगा, तो जाकर लोडिंग मतलब आएगा, हो सकता है शाम तक हो जाए, मतलब 99% उम्मीद है कि आज शाम तक मेरा हो जाएगा। जिस टाइप को हम पूछने गए थे बताया वो लोग, उसी से बता रहे हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, हमारा आज ब्लॉग थोड़ा लेट गया था, कल का ब्लॉग आप लोग देखे थे तो लेट गया था, तो उस कारण क्या है कि यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, और नेटवर्क प्रॉब्लम चलते सागर चला गया था बाहर अपना नेटवर्क ढूंढने के लिए, मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रहा था जहाँ अच्छा नेट रहेगा डलेगा। तो उस बीच में हम खाना बना चुके, क्योंकि खाना का टाइम भी हो रहा था, हम खाना बना चुके, तो सागर आके फिर बाद बताया कि कहीं मिला उसको थोड़ा सा नेट बढ़िया मिला, तो फिर ब्लॉग अपना चला गया। तो ठीक है दोस्तों, यही जा रहे थे खाने के लिए, आज हमारा खाना बन गया। ये देखिए हमारा आज का खाना, आलू गोभी मटर सब मिक्स है, गाजर है, लिए थे यहाँ जो बाजार है लगा हुआ तो ले लिए थे, जानते हैं कि सब जगह पे मिलता नहीं तो लेकर रखना चाहिए गाड़ी में आदमी सामान, तो रखे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले खाने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुका, हम गेट के बाहर आए हुए बंसल, और कुछ हमारे संस्कार भाई लोग आए थे मिलने के लिए, इन लोग से आए मिलने के लिए हम भी। तो आप कहाँ से आए भाई? कॉपरेटिव कॉलोनी। कॉपरेटिव कॉलोनी से, चलिए बहुत अच्छा लगा। आप? हम तो बालीडी मोड़ से हैं, यहाँ जो 4 किलोमीटर है आपका। और आप भी बता दीजिए। सेक्टर 2C, मेरा तो खुद गाड़ी लोड हो रहा है। और राजेश सागर भाई से तो पहले भी हम मिल चुके हैं ट्रेन में। हाँ, बताया था, मतलब जिस टाइम जामताड़ा जा रहे थे। हाँ, जामताड़ा ट्रेन में साथ में हम लोग का हुआ था, जामताड़ा तक जाना। इनका हम ब्लॉग लगभग 8 महीने से देख रहे हैं, तो हमें लगता है अब बुकार हुआ है, बस लगा धनबाद से निकल गए, काश मिल पाते हैं। लोड अगर नहीं होता है मेरा, अभी तो अभी चला हुआ है 90% में है कि हो जाएगा, अगर हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो अब संडे है, तो अपना संडे भी कट जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ का फिर जरूरत होगा तो याद कीजिएगा, हम तो बगल में हैं, आपका आशीर्वाद रहे, हम लोग भी। दोस्तों
दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और फैक्ट्री से दोस्तों अभी हमको निकाल दिया, मतलब सुबह घुसे थे, सुबह अंदर गए थे, आप लोग भी ब्लॉग में देखे, लेकिन अभी नहीं जाने दे रहा, मतलब देखा साथ में अभी कुछ सब्सक्राइबर भाई आए थे तो उनसे मिलने के लिए अभी हम बाहर आए थे, लेकिन फिर वो लोग देख लिए कि साथ में जा रहा है तो फिर मना कर दिया कि अंदर जा नहीं सकता, तो पापा भी वहीं थे। दोस्तों मेरा गाड़ी तो मतलब पूरा लोड नहीं हो चुका है, नहीं हुआ मतलब आधा ही लोड हुआ है, तो बाकी माल कल लोड होगा। तो सागर को यहाँ रामगढ़ तो बगल में घर, वैसे भी कल जाना ही था हम लोग को, तो सागर अभी घर जा रहा है रामगढ़, तो वहीं पर हम भी जाएंगे पीछे से, तो वहीं मिल लेंगे फिर, तो रात में रहने में दिक्कत होगा। क्या हुआ कि दोस्तों फिर हमको अभी घुसने नहीं दे रहा, तो रात में तो फिर यहाँ रुक नहीं पाएंगे, रात में कहाँ रहेंगे, एरिया भी देख सकते हैं पूरा सुनसान है, तो रुक तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए घर चले जा रहे हैं। तो पापा फिर कल आएंगे, कल हो जाएगा ना, कल हो जाएगा दोस्तों, तो फिर पापा से कल मिल लेंगे, तो फिर उधर से ही निकल लेंगे हम लोग साथ में। दोस्तों ये सब्सक्राइबर भाई लोग आए थे तो देखे थे सुबह मिलने के लिए आए थे, तो ये लोग इतना देर रुके मेरे लिए कि मतलब यहाँ से गाड़ी भी नहीं मिलता है, तो ये लोग हमको जहाँ बस रहता है वहाँ तक ले जाएंगे ना साथ में, अरे भैया वैसा कुछ नहीं, कोई बात तो साथ में ले जाएंगे। तो ठीक है पापा अभी जा रहे हैं, तो बाप का पुण्य और माँ का आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों अभी निकलते हैं, तो पापा साहब कल ही मिल लेंगे, तो रुकना मतलब मेरा पूरा रुकने का मन था लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है, ऐसे भी कल जाना था तो अभी निकल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी निकलते हैं, ठीक है ठीक है, अरे चलिए भैया है। तो दोस्तों बस मिल गया, अब इसी बस में जाएंगे, बस निकलने वाला है, तो चलिए भैया आप लोग इतना दूर आए साथ में, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका आशीर्वाद है भैया। अरे नहीं नहीं बस पापा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप तो रहिएगा ना वहीं पे, ठीक है। दोस्तों अभी रात के 10 बज गए हैं और घर तो हम आ गए, और पापा से अभी बात हुआ तो गाड़ी कल सुबह मतलब जल्दी ही काम हो जाएगा उनका, जो हमारा लोड हो रहा है वो जो दोस्तों हमारा लोड वो लोहे का प्लेट है, तो एक 21 फीट का और एक शायद 18 फीट का है, तो 21 वाला हो गया है, मतलब ठीक से कैलकुल नहीं पता है कितने फीट का, लेकिन 21 वाला कम्प्लीट हो गया इतना पता है, और एक आधा कटा है, तो कल पापा का सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको लगता है 10 बजे के आसपास तो गाड़ी का लोड हो जाएगा, उसके बाद काम वाम करते करते 12 बजे के आसपास पापा यहाँ आ जाएंगे, 12 से 1 बजे तक रामगढ़ आ जाएंगे। तो दोस्तों आज सुबह क्या हो गया कि मतलब सुबह जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो जो गार्ड थे दोस्तों वो आके चेक किए थे, मतलब हम थे हमको भी देखे पापा को भी देखे, और आके बस बाल्टी चेक की कि कितना पानी है बाल्टी में, बस फिर तो हमको मना नहीं किया कि मतलब खलासी अंदर नहीं जा सकता या फिर एक साथ में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो दोस्तों आप लोग जो देखे जो कल का ब्लॉग लेट हुआ था उसी के लिए हम बाहर नेटवर्क ढूंढने के लिए थोड़ा इधर बाहर चले गए थे, तो उस टाइम में फिर अंदर गए तो गार्ड कुछ नहीं बोले, लेकिन जब सब्सक्राइबर लोग आए फिर बाहर जब आ रहे थे पापा साहब अंदर, तब पता नहीं क्या हो गया कि नहीं हेल्पर साथ में नहीं जा सकता, तो इसीलिए फिर हमको यहाँ आना पड़ गया है घर में, तो अभी घर में आज रुकेंगे, कल तो पापा आ ही जाएंगे, तो कल एक दिन हो सकता है कि पापा यहाँ रुके फिर हम लोग दोनों साथ में फिर निकल जाएंगे कर्नाटका। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग यहीं एंड करते हैं, ऐसे तो पापा ही को एंड करना चाहिए था लेकिन फिर हम रिकॉर्ड भी नहीं किए यहाँ आ गए, तो ठीक है दोस्तों आज हम ही खत्म कर देते हैं ब्लॉग, तो ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।